साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, उम्मीद है एकदम फर्स्ट क्लास होंगे। बिहार पुलिस 2000 दरोगा प्लस 20,000 सिपाही के पद पर बहाली की जो प्रक्रिया है उसे आगे बढ़ाए जाने संबंधी नोटिस आज जारी किया गया है। और ये नोटिस ऑफिशियल नहीं है, एक नोटिस न्यूज़पेपर के माध्यम से आप सभी के बीच में पहुंचाया गया है। देखिए क्या अपडेट है। इस वर्ष बहाल होंगे 20,000 सिपाही और 2,000 दरोगा, लगभग 22,000 से ज्यादा पद हैं। लगभग इसमें 2,800 के समथिंग में चालक के भी पद हैं, जो चालक के पद हैं इन पर भी भर्ती है, और 20,000 सिपाही और 2,000 दरोगा के पद पर भी भर्ती है। तो एक बड़ी अपडेट है, आज के न्यूज़पेपर के माध्यम से ये जानकारी दी गई है। दूसरे न्यूज़पेपर में बताया गया है 2,000 दरोगा बहाली का प्रस्ताव जल्द भेजा जाएगा और 1,275 सफल दरोगा अभ्यर्थियों के योगदान की जो प्रक्रिया है उसे शुरू कर दिया गया है। देखिए बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा नव चयनित 1,275 दरोगा अभ्यर्थियों के योगदान की प्रक्रिया गुरुवार को शुरू हो गई। इनमें से 822 पुरुष और 450 महिलाएं व 3 ट्रांसजेंडर हैं। पुलिस मुख्यालय के डीआईजी कार्मिक रंजीत कुमार मिश्रा ने गुरुवार को प्रेस वार्ता में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इसके अलावा केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही स्तर के 20,000 से अधिक सिपाही के पदों पर बहाली की जो प्रक्रिया वो चल रही है, वहीं 2,000 दरोगा को बहाली को लेकर जल्द प्रस्ताव यानी नोटिफिकेशन शासन को भेजा जाएगा, प्रस्ताव भेजा जाएगा। पुलिस मुख्यालय ने आयोजित प्रेस वार्ता में डीआईजी ने बताया कि 1 से 10 अगस्त के बीच अभ्यर्थियों को दस्तावेज के साथ गृह जिले में उपस्थित होने को कहा गया है। तो देखिए भाई बहुत बढ़िया अपडेट है, बहाली 20,000 से ज्यादा सिपाही और 2,000 से ज्यादा दरोगा के पद पर बिहार पुलिस में होने वाली है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा अपने अपने दोस्तों के पास में। जय हिंद, वंदे मातरम।